जो आंदोलन से पैदा हुए हैं उसे जेल से डराओगे? जिस दिन वक्त करवट बदलेगा उस दिन खुद भाग के कहां जाओगे? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी है। ये जो कदम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे सीबीआई ने उठाया है उस कदम की हम निंदा करते हैं। उसके अंग्रेजों से नहीं डरे इस देश के लोग, तो मैं समझता हूँ कि इनसे क्या डरेंगे। ये बीजेपी का असली रूप अपना घिनौना जो कार्य है ये किसी भी पार्टी को ऊपर बढ़ने नहीं देती। जो बीच भारतीय जनता पार्टी है वो चाहती है कि लोगों को बांट के फूट डाल के उनको अनपढ़ रख के हम देश पर राज करें। कि हम जेल से कतई डरने वाले नहीं, हम अपने कपड़े ले साथ लाए हैं, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं। बालडा हल्का क्रांतिकारियों का हल्का है, वहाँ से ही जो चिंगारी लिखते हैं वो हिंदुस्तान में जाती है। आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक सिपाही है और आम आदमी पार्टी पार्टी ना होगी एक आंदोलन है। अगर उस आंदोलन के लिए हमें जो है अपने शरीर पे अगर हमें हानि भी पहुंचती है, इनकी सरकार है कोई बात नहीं, हम प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है। आरोप तो संदीप सिंह पे भी लगे हैं, क्या उनको गिरफ्तार किया गया है? आरोप अदानी पे भी लगे हैं, क्या उनको गिरफ्तार किया गया है? आरोप हम पे लगे थे, हमें गिरफ्तार कर लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भूमि, आपके साथ मैं हूं पायल आहूजा। अभी हम मौजूद हैं रोहतक के मानसरोवर पार्क में, जहां पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भारी मात्रा पर यहां पर मौजूद हुए हैं, जो यहां से प्रदर्शन करते हुए बीजेपी कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। कारण भी हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि कल शाम को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके मद्देनजर आज आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी के मद्देनजर आज रोहतक में भी प्रदर्शन किया जा रहा है भारी मात्रा में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है, पुलिस बल भी भारी मात्रा में मौजूद हो चुके हैं। आपको बता दें ये लोग प्रदर्शन करते हुए आज यहाँ से बीजेपी कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा है कि इन्होंने ऐसी शराब नीति बनाई जिससे व्यापारियों को मोटा मुनाफा हो, सरकार नहीं। तो इसी के मद्देनजर आज उनको सीबीआई की 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के मद्देनजर आज आम आदमी पार्टी जो कार्यकर्ता है वो रोष प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश भर में। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया है, उनको गिरफ्तार किया गया है यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने शराब घोटाला किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा असलियत छुपाना चाहती है। असलियत यह है कि मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के 20 लाख बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है, क्योंकि अब देश का हर बच्चा ये सपना देखने लगा है कि उनके यहाँ पे भी ऐसे ही सरकारी स्कूल बनेंगे। अगर ये आबकारी का मामला होता, अगर ये शराब पॉलिसी से जुड़ा हुआ मामला होता, तो आप मुझे बताइए, आप तो हरियाणा में रहते हैं, 24 घंटे ठेके खुलते हैं हरियाणा में, दिन में भी रात में भी, दिन में लीगल रात में इलीगल, यहाँ तो कोई सीबीआई ईडी नहीं आई कभी। गुजरात में अवैध शराब पी के सैकड़ों लोग मर गए, वहां तो कभी कोई सीबीआई ईडी नहीं गई, कोई मंत्री गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई नेता गिरफ्तार नहीं हुआ। ये आबकारी का मामला ही नहीं है, ये झूठा और फर्जी केस बना करके, चूंकि शिक्षा के मामले में अभूतपूर्व काम किया मनीष सिसोदिया जी ने, इसलिए ये आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, इसलिए उनके खिलाफ फर्जी केस लगाया। ये भूल गए कि आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है, जेल से नहीं डरते हम लोग, ये भूल गए इस बात को। हम तो इनसे पूछते हैं कि जो आंदोलन से पैदा हुए हैं उसे जेल से डराओगे? जिस दिन वक्त करवट बदलेगा उस दिन खुद भाग के कहां जाओगे? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी है। क्या आप कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की नीतियों से घबरा गई है बीजेपी? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का संगठन हर स्टेट में बन रहा है, और जिस तरीके से पूरे देश में लोग सपना देख रहे हैं कि दिल्ली जैसे स्कूल अपने यहाँ पे बनाएंगे। दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनी, गुजरात में इनके गढ़ में 41 लाख लोगों ने हमें समर्थन किया, तब से ये बौखलाए घूम रहे हैं, तब से बहाना ढूंढ रहे हैं। और रही सही कसर, पार्लियामेंट में मोदी जी बोल रहे थे अपने दोस्त के बचाव में, एक बड़े बिजनेसमैन दोस्त के बचाव में बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनके भाषण के बीच में उनको आईना दिखाया, उनकी और उनके बिजनेसमैन दोस्त की यारी को लेकर के नारे लगाए, तब से बौखलाए घूम रहे हैं, तब से सारी एजेंसियों को बोल रखा है कुछ भी केस लगाओ, फर्जी पकड़ो इनको। देखिए, आप नहीं जानते, सारा देश जानता है, सारे बिजनेसमैन जितने भी बड़े जिनकी कंपनियों में LIC का पैसा लगा हुआ है, जिनकी कंपनियों में SBI का पैसा लगवा दिया, जिनकी कंपनियों में बैंक ऑफ बड़ौदा के, ये सब होने के बाद भी 9 लाख करोड़ डूबने के बाद भी जिनकी कंपनियों में पैसा लगवा रहे हैं, उन्हीं दोस्त की ऐसी क्या यारी है? मोदी अडानी की यारी इनको देश से भी प्यारी, ये आज के दिन में पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी, आपने जेल भरने की बात की, आज कार्यक्रम
गिरफ्तारी भी देंगे? ये तो हमारे कार्यकर्ता पीछे नहीं हटते, ये तो पुलिस के ऊपर है। हम शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराने आए हैं। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है देश भर में, उस गुस्से को जाहिर करने के लिए आए हैं। जैसा सलूक पुलिस करे सब कुछ कबूल है। अगर इनको लगता हो इनके डंडे लाठियों से डरते हैं, जेलों से डरते हैं, तो ये किसी गलत फहमी में है। आम आदमी पार्टी के सिपाही किसी के लाठी डंडे से, किसी की साजिशों से नहीं डरते। आज ये सत्ता में है, कल कोई और सत्ता में होगा, तब ये भ्रष्टाचारी कहां जाके छुपेंगे, इनको वो सोचना चाहिए। सभी आरोपों को नकार रहे हैं। कोई आरोप है ही नहीं। अगर कोई आरोप होता तो कम से कम अक्टूबर में पूछताछ हुई थी मनीष जी से इसी मामले में। विजय नायर को इसी मामले में गिरफ्तार किया था, उनकी जमानत हो चुकी है सीबीआई से, उनको फिर ईडी का मामला लगा दिया उनके ऊपर। मतलब कुछ भी इस्तेमाल करके, कोई भी एजेंसी इस्तेमाल करके जो सरकार चला रहे हैं। पहले सत्येंद्र जैन जी को अंदर रखा हुआ है मामले में, आज तक आपके समझ में आया? आप बता दो सत्येंद्र जैन जी ने क्या घोटाला कर दिया? किसी के यहाँ से 100 रुपए बरामद हो गए तो आप बता दो किसी के, इसके यहाँ से जी एक गड्डी मिली थी। मैं तो कहता हूँ बीजेपी नेताओं के छोटे से कॉर्पोरेटर के यहाँ पे आप एक हवलदार भेज के देखो, सीबीआई ईडी छोड़ दो, अगर उसके यहाँ से गड्डियां ना निकल के आए नोटों की, तो हमको कहना इन्होंने सीबीआई लगा ली, ईडी लगा ली, मुख्यमंत्री के यहाँ रेड किया, उप मुख्यमंत्री के यहाँ रेड किया, सारे नेताओं के यहाँ रेड कर लिया, आज तक 100 रुपए काला धन बरामद नहीं हुआ। यही दिखाता है कि कोई आरोप नहीं है, कोई सबूत नहीं है किसी चीज का, बस जेल के अंदर रखना है। तानाशाही चलानी है तो तानाशाही तो अंग्रेजों ने भी चलाने की कोशिश की थी, शहीद भगत सिंह जी ने उस वक्त भी उनको जवाब दिया था, और आज उनके अनुयायी आम आदमी पार्टी के सिपाही उसका जवाब दे रहे हैं। तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? आप देखेंगे आगे की जो रणनीति होगी, आगे की रणनीति सड़क पे है, सड़क पे संघर्ष करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, 1.5 साल बाद इनकी सत्ता को बदल के और लोकतंत्र की स्थापना देश के अंदर वापस करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को कितनी बार इन्होंने परेशान किया, कितनी बार रेड की, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए ये दमन चक्र चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को दबाने का प्रयास जो अघोषित इमरजेंसी लगा के कर रही है, जिस प्रकार मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के लाखों बच्चों के भविष्य को सुधारा है, जिस प्रकार मनीष सिसोदिया जी के अगुवाई के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर प्राइवेट स्कूलों से 4 लाख बच्चे एडमिशन छोड़ छोड़ कर आ गए, जिस प्रकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के तारीफ अमेरिका के राष्ट्रपति तक करते हैं, उस बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए ये जो कदम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे सीबीआई ने उठाया है, उस कदम की हम निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, उसका विरोध करने के लिए आज आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालयों का घेराव कर रही है। उसी क्रम के अंदर आज हम सब हरियाणा का नेतृत्व, हरियाणा के कार्यकर्ता, हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का घेराव करने के लिए यहां पर आए हैं। पूरे देश की जनता देख रही है किस प्रकार मोदी जी का दमनकारी चक्र लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। लेकिन गुप्ता जी, अगर बात करें देश की जांच एजेंसियों की, जांच कर रही है, जांच एजेंसी कर रही है, सरकार पर आरोप, जांच करे, जांच को कौन मना करता है? जांच पहले हुआ करती, जांच करा, दोष बताया, फिर कोर्ट में जाते, फिर गिरफ्तारी का वारंट लेते, ये जांच की प्रक्रिया थी। पहले गिरफ्तार कर लें, 1 साल जांच करने के बाद कुछ ना मिले फिर गिरफ्तार कर लें। लेकिन 8 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद, कड़ी मैं कह रहा हूँ कितनी बार कर चुके, क्यों नहीं देश की जनता के सामने लेकर आए कि ये तकलीफ है? आज तक 1 रुपए का आरोप ये नहीं लगा पाए, 1 रुपए का आरोप नहीं लगाए। कट्टर ईमानदारों की टोली है गुप्ता जी, इस ईमानदारों की टोली के ऊपर इस तरीके से गिरफ्तार करने का विरोध कर दें। गुप्ता जी, सीबीआई ने ये आरोप लगाया है कि उन्होंने सबूतों को नष्ट किया है, लोगों के नाम छुपाए। ये सबसे आसान काम होता है कि नष्ट कर दिया जी, सीबीआई के पास तो सब कुछ है, इतनी बार उन्होंने वो लिए बताते ना क्या नष्ट कर दिया, सिर्फ ये कहते हैं टेलीफोन तोड़ दिया। मतलब क्या हो गया? टेलीफोन हर आदमी बदल जाता है, ये मोबाइल टेलीफोन जिंदगी भर साथ नहीं रहता है, हमारा भी साल में 2 साल में टूट जाता है, गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है। इससे फालतू कोई आरोप सीबीआई आज तक नहीं लगा पाई। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, जो उनके निजी आदमी थे वो खुद सीबीआई के गवाह बन गए, इसी वजह से सारा काम हो रहा है। देखिए, कोई निजी आदमी नहीं होता किसी का। एक व्यापारी को धमकाओ, डराओ, तेरे को फांसी तोड़ देंगे, तू किसी के खिलाफ बोल, ये निजी व्यक्ति नहीं होते। मैं ये कह रहा हूँ, ये देश की जनता देख रही है, देश का प्रशासन देख रहा है,
कि किस प्रकार से बीजेपी की सरकार राजनीतिक द्वेष के मध्य चलते हुए आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर रहा है। गिरफ्तार किया गया है मनीष, क्या क्या लगता है आपको? देखिए, अभी जैसे गुप्ता जी ने बताया, आज पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के द्वारा जहां भी हमारी इकाइयां हैं वहां पर आज जो अनुचित तरीके से इस तानाशाही सरकार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारे पर जिस तरीके से विपक्ष को कुचलने की एक कोशिश है, साजिश है, आज उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी का सभी जगह प्रदर्शन है। इसी कड़ी में आज यहाँ रोहतक भी हमारे पूरे साथी पहुँचे हैं और मुद्दा साफ है कि जो पूरी ताकत के साथ 2024 में उनके सामने चुनौती है जिससे वो घबराते हैं, उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रहार करते हैं। जैसा अभी बताया कि मनीष सिसोदिया, उन्होंने इस देश के अंदर शिक्षा क्रांति की, क्योंकि 75 साल में जो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हुआ वो उन्होंने करके दिखाया, और उनके ऊपर जिस तरीके से इल्ज़ाम लगा करके सारे छापेमारी उन्होंने करी, लेकिन कोई सबूत आज तक नहीं मिला। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी आप पार्टी के किसी भी नेता पर जांच होती है तो ये आरोप लगाया जाता है कि राजनीतिक द्वेष के कारण, जो है राजनीतिक भावना के कारण, तो हम क्या कहेंगे कि इसको प्यार में हमारे ना उनको जनता से प्यार, ना देश से प्यार, ना देश के लिए अच्छा काम करने वालों से प्यार। तो ये राजनीतिक द्वेष की भावना के साथ आज उन्होंने ये कुकृत्य किया है, और सड़कों के ऊपर लोकतंत्र में ये अधिकार हमें संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से मिला है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपनी बात जनता के बीच में जाकर के कहे। हमारा ये आज का जो मार्च है, प्रोटेस्ट मार्च है, पूरी तरीके से शांति प्रिय तरीके से होगा, और मैं तमाम साथियों से यही आग्रह करूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को और मजबूत करें। जितनी चुनौती होगी, आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि है, ये लोगों ने, महापुरुषों ने इसलिए आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण नहीं दिए थे, भगत सिंह, सुखदेव, उधम सिंह, आज़ाद और तमाम, अशफाकुल्ला, कि इस तरीके का आने वाले समय में भारतवर्ष जैसा होगा। अंग्रेजों से नहीं डरे इस देश के लोग, तो मैं समझता हूँ कि इनसे क्या डरेंगे। इसलिए और मजबूती के साथ हम आवाज़ को बुलंद करेंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे और लोगों के लिए और बेहतरीन के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। और साहब, आप लोग भी पहले डिमांड करते रहते थे किसी भी केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच से क्या दिक्कत है? अब भी कर रहे हैं, अडानी की क्यों नहीं कर रही है? बिल्कुल ठीक कहा, अडानी की क्यों नहीं कर रहे? बाकी तो आजकल संस्थाएं किस तरीके से उनकी कॉम्प्रोमाइज है, किस तरीके से सरकार के इशारे पे काम करते हैं, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर ये संस्थाएं बचेगी तभी लोकतंत्र बचेगा और तभी हमारे देशवासी बचेंगे, नहीं तो इसी तरीके से घपले घोटाले लोग करते रहेंगे जैसे अडानी अंबानी ने मिलकर के किए, सरकार के संरक्षण में किए, और ये लोग किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान और साधारण लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, वो तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी, मैं भाई अनुराग से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी साथियों को। जी मैडम, मैं मैडम सतीश कनगवाल, हल्का कलानूर से, एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। और अभी बोलो किस विषय में बोलना है मैडम जी? आज आप यहां पे पहुंचे हैं प्रदर्शन में, क्या कर रहे हैं? देखो मैडम, ये देखो, आप मीडिया हो और मीडिया ही हर पार्टी की मेन जड़ होती है, ऊपर तक जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो दिखाना मीडिया का पहले दायित्व होता है। तो मैडम जी देखो, बीजेपी का असली रूप आप देख रहे हो ना, ये बीजेपी का असली रूप, अपना घिनौना जो कार्य है, ये किसी भी पार्टी को ऊपर बढ़ने नहीं देती, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, वो नहीं चाहती कि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता या एमएलए या कोई काम ऊपर देश के लिए नाम करो। इन्होंने तो ऐसा काम कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान पर जैसे कब्जा कर रहे हैं ना, ऐसा काम इन्होंने कर रखा है। ये किसी भी नेता को उभरने नहीं देते, किसी भी नेता को टीवी पर छाने नहीं देते, उसी की लोकप्रियता से ये घबराए हुए हैं। और आम आदमी पार्टी देखी होगी मैडम जी आपने, कि दिल्ली में जो
पूरी शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और जो पानी के ऊपर जो हम कार्य कर रहे हैं वो निष्पक्ष भाव से कर रहे हैं। हमने 36 बिरादरी को समाज में एक नज़र से देखा है और उसी तरह पे हमने पंजाब में सरकार बनाई। क्या आप कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी के कार्यों से और आम आदमी पार्टी से घबराई हुई है? मैं बिल्कुल घबराई हुई है, बिल्कुल घबराई हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया जी कि वो है ना, वो इनका पतन का जो कार्य है जो ये कर रही है, ये जाएगी हरियाणा में, इनकी एक सीट भी नहीं आने वाली, लिखवा लो मेरे से। और मैडम जी मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये खबर आप टीवी में मेरी दिखा रहे हो, दिखाओगे मैडम जी, तो मैं बताना चाहूँगा, दिए भी झंडा एक बार नेताजी, ये जो झंडा है ना बाबा साहब अंबेडकर जी के कार्यकर्ताओं का है, ये जो झंडा है ये चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह के हाथ का झंडा है, ये हाथ कट सकता है झुक नहीं सकता, ये आम आदमी पार्टी का झंडा है। मैडम मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया शराब नीति मामले में, इस बारे में क्या कहना? देखो मैडम जी, ये तो एक नीति, आप देखो पहले भी ईडी ने उसके घर में छापे मारे, चवन्नी तक उसके घर में मिली नहीं कोई भी घोटाले का कोई भी एक एक कागज, प्रूफ करके दिखा दो बीजेपी वाले, अरे भाई ये उनके घर से मिला है। ये घनौनी जो राजनीतिक है ये चाहते हैं कि उनको अंदर कर दे, फिर आम कोई एमएलए को अंदर कर दे। बीजेपी का नेता है ना ये कार्य कर रहा है, जो अपनी नींव खुदाई की नींद, अपनी कब्र खुद बीजेपी खोद रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो शिक्षा की क्रांति मनीष सिसोदिया जी लेकर आए हैं, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। जो बीज भारतीय जनता पार्टी है वो चाहती है कि लोगों को बांट के, फूट डाल के, उनको अनपढ़ रख के हम देश पर राज करें। वो एक तानाशाही की रणनीति के तहत इस देश में काम कर रही है। मनीष सिसोदिया जी ने जो शिक्षा की क्रांति दिल्ली के अंदर लाई है वही पूरे भारत देश के अंदर लाना चाहते थे, लेकिन वो उसको दमन करके किसी शराब का या किसी और किसी चीज का भी नाम लेकर उनको अंदर कर देना चाहते हैं। बस उनका एक ही मकसद है, वो निराधार आरोप है, वो बिल्कुल निराधार है। वो राजनीतिक द्वेष के कारण उन्होंने आरोप लगाए हैं और राजनीतिक द्वेष के कारण उनको अंदर किया गया है। मनीष सिसोदिया जी करप्ट इंसान नहीं है, करप्ट इंसान इनके साथी हैं, उनको ये अंदर नहीं कर रहे। वहाँ 10-20 हजार करोड़ की अफीम पकड़ी गई थी अडानी के पोर्ट पर, आज तक कोई सीबीआई जांच नहीं हुई। कहाँ गई वो सीबीआई जांच? अब एक छोटा सा मुकदमा बना के इनको किसी भी तरीके से अंदर कर देना चाहते हैं। तो किसी आम आदमी के चलते रोड पे कर लो अंदर, आप किसी भी आदमी को अंदर कर लो। अगर इस टाइप से सरकार तानाशाही करने की, उन्होंने सबूत मिटाने की भी कोशिश की। नहीं, सबूत मिटाने की कोशिश कहाँ से की? सबूत तो सब उनकी सीबीआई के पास थे, अगर कोई था तो, कुछ था तो सीबीआई के पास था, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। तो अब उसको दूसरे तरीके से, दूसरा एक उसको परिवर्तन दे के उसको दूसरे तरीके से उनको ऊपर थोपना चाहते हैं कि आप सबूत मिटा रहे हो, इसलिए हम अंदर आगे की रणनीति की है। हम मनीष सिसोदिया जी अकेले गिरफ्तार नहीं होंगे, सारे जितने भी आम आदमी पार्टी करते हैं सारे उनके साथ गिरफ्तार होंगे, सारे गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं। हम जेल भर देंगे पूरे, और ऐसे ऐसे ना ऐसे तानाशाही नहीं चलने देंगे भारतीय जनता पार्टी। हां जी सर, क्या नाम है? मैं राकेश चांदवास, पूरा बाल डाल का अध्यक्ष हैं। हम बड़ी बस ये लप करके ले आए हैं, वोल्वो बस भर के बाल डाल के सारे साथी बाल डाल के से आए हैं। किस प्रकार से हिंदुस्तान के बहुत ही कदावर नेता, देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने पर इस भाजपा सरकार ने किस प्रकार से देश के बच्चों के साथ कुठाराघात किया है, उस कुठाराघात को हम लेकर हम रिहाई के लिए आए हैं कि किस प्रकार से भाजपा सरकार देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। मनीष सिसोदिया जैसे जिन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा देकर बड़े स्तर पर उठाने का काम किया, हमारे पास रात को ही मस्जिद हमारे हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता का आया था। हम सभी साथी बड़ी वोल्वो बस भर के यहाँ मानसरोवर पार्क में आ गए और हम मुख्यालय बीजेपी के मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो किस प्रकार का जो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन आप लोग करने वाले हैं? हम विरोध प्रदर्शन बड़े स्तर पर अब करने वाले हैं, हमारे प्रभारी जी और अन्य नेता आने वाले हैं, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर हम आंदोलन। जेल भरने का है या एक सिर्फ एक विरोध? अगर हमें जेल की जरूरत पड़ेगी तो हम जेल से कतई डरने वाले नहीं, हम अपने कपड़े साथ ही लाए हैं, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं। बालडा हल्का क्रांतिकारियों का हल्का है, वहाँ से ही जो चिंगारी लिखते हैं वो हिंदुस्तान में जाती है। मनीष सिसोदिया जी पर काफी संगीन आरोप लगाए गए हैं कि शराब नीति मामले में कभी उनका अरेस्ट किया गया, तो इस बारे में क्या? अगर मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाए गए, अगर मनीष सिसोदिया के पास एक भी कोई पैसा कहीं से बरामद होया हो, कोई शराब की, उन्होंने अल जी ने एक बात बताई है कि शराब की उन्होंने गलत पॉलिसी बनाई, किसी आईएएस अफसर ने बयान दिया है, वो बिल्कुल सरासर गलत दिया गया है। मनीष सिसोदिया देश के सबसे बड़े ईमानदार आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता, कट्टर
देशभक्त है और कट्टर देशभक्त होने के बाद जिस प्रकार से 2024 के अंदर हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत से दिखाई दे रही है, इसके बौखलाहट के कारण ये सारा षड्यंत्र झूठा रचा जा रहा है। बीजेपी डर गई है, बीजेपी पूरी तरह से डर गई है और बीजेपी का पक्का इलाज हम हरियाणा के अंदर पहले कलम से 2024 में करेंगे। रणनीति हम हर चुनाव लड़ेंगे, बड़े अंतर से हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में, ये जनता आपको बता रही है। हम भी 120 किलोमीटर से चलकर इसलिए आए हैं, बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है और जो डिप्टी सीएम है दिल्ली उनको गिरफ्तार किया गया है, ये आरोप लगाते हुए कि जो शराब नीति बनाई गई थी जी सर, उससे सरकार को मुनाफा नहीं बल्कि व्यापारी को मोटा मुनाफा हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, एक ऐसा बंदा जिसने पूरे देश की शिक्षा क्रांति में, शिक्षा के अंदर क्रांति ला दी, मतलब अब एक गरीब का बच्चा भी उसी स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहा है दिल्ली के अंदर आप जाओ, जो एक अच्छा व्यापारी या एक नेता का बच्चा प्राप्त कर रहा है। तो आप मतलब शिक्षा ही एक ऐसा, वो कहते हैं ना शिक्षा शेरनी का दूध है, जिससे अगर शिक्षा अच्छी होगी तभी हमारे देश का विकास होगा। 70 सालों से हमारे, मेरे पिताजी थे वो भी यही पढ़ते थे, भारत एक विकासशील देश है, हमने भी यही पढ़ा, भारत एक विकासशील देश है, आज मेरे बच्चे भी यही पढ़ रहे हैं। देश की आज़ादी को 75 साल हो गए, किस तरह हम जो है प्रगतिशील से जो है विकासशील से विकास विकसित देशों की संख्या में आएंगे, तो शिक्षा ही एकमात्र ऐसा जरिया है। और उस बंदे ने जिसके स्कूल जो है विदेशों तक फेमस हो गए, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है इंडिया के अंदर, वो कहती है मुझे उनके स्कूल देखने हैं, और आप उसको गिरफ्तार कर रहे हो, तो ये तो देश की प्रगति को रोकने का जो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है उसके विरोध में आज रोहतक शहर के अंदर पूरे हरियाणा से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता एकत्रित होकर और अपना शांतिपूर्वक रोष प्रदर्शन करेंगे ताकि उनकी रिहाई की मांग करें। विपक्ष जो है वो सोशल मीडिया पे बार बार डाल रहे हैं कि बात शराब नीति की करनी थी, कर शिक्षा नीति की रहे, आप इस बात पे क्या? नहीं नहीं, तो आपने अभी तक कोई प्रूफ किया गया ऐसा? उसको गिरफ्तारी के लिए कोई सबूत तो होना चाहिए कि क्या उसको सुप्रीम कोर्ट ने या किसी कोर्ट ने उनको कोई गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया क्या? आप तो अपनी जो भी आप उसके अंदर हो, शासन के अंदर हो, अपनी सारी संस्थाओं को आप एक बंदे के पीछे लगा दो और उठा के ले आओ रातों रात, आपके पास क्या सबूत है? कोई सबूत मिला? ऐसे केजरीवाल जी के तो क्या नाम है, बेडरूम तक भी पहुँच गए थे, कुछ मिला क्या? तो बिल्कुल, हम इन आरोपों को आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सिरे से खारिज करता है और एक ही मांग करता है कि जो जिस आदमी का सपना देश को दुनिया के अंदर नंबर वन बनाने का हो उसको रिहा किया जाए, और बल्कि उस लोगों का तो, उस ऐसे व्यक्ति का तो अनुसरण करना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए। देखो ये देश सबका है, सभी पार्टियों का देश है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, अमेरिका के न्यूज़पेपर में उसकी हेडिंग छपती है फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पेज पे, तो हमें उससे सीख लेनी चाहिए, ये थोड़े ना कि उसका विरोध करो। आज भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद है, हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर बल का भी प्रयोग करें? नहीं करेंगे, ज़्यादा एक्शन वाले से नहीं है। तो आप उसके लिए तैयार हैं? सर जी हम तो अपना शांतिपूर्वक रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, अब अगर इनको हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक ही दबाना है तो इनकी सरकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक सिपाही है और आम आदमी पार्टी पार्टी ना होकर एक आंदोलन है, अगर उस आंदोलन के लिए हमें जो है अपने शरीर के पे अगर हमें हानि भी पहुंचती है, इनकी सरकार है, कोई बात नहीं, हम प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है। अगर आप इन आरोपों को नकार रहे हैं तो इसमें क्या मंशा मानते हैं कि उनको गिरफ्तार किस कारण? मैडम ये साफ मंशा है, अगर स्कूल अच्छे होंगे बच्चे पढ़ेंगे, और अगर शिक्षा आ गई बच्चों के अंदर तो वो सवाल पूछेगा कि मेरा देश 75 साल की आज़ादी के बाद विकसित क्यों नहीं हुआ। सिर्फ इनकी यही मंशा है कि गरीब को गरीब कर दो, अमीर को अमीर कर दो। आप देखो देश का 90% पैसा 10% लोगों के पास है, आप 75 साल बाद भी ऐसा, ऐसे तो हम कभी भी जो है गरीब अंतिम वंचित व्यक्ति तक कोई भी सुविधाएं नहीं पहुंचा पाएंगे, शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ उसका विरोध है कि ये आदमी अच्छा क्यों कर रहा है, देश को अग्रणी पंक्ति में लाने का प्रयास क्यों कर रहा है, और देश को जो हमारा वर्ल्ड में नंबर वन बनाने का सपना है माननीय अरविंद केजरीवाल जी का, उसका पूरा करने का प्रयास क्यों कर रहा है। विज्ञापन भी सौंपा जाएगा? बिल्कुल सौंपा जाएगा, प्रदर्शन घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और जैसे भी रणनीति है हमारे पार्टी के सीनियर नेता आ रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व आ रहा है, जैसे वो आदेश करेगा प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है।
मेरा नाम इंजीनियर नवीन सापला है। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वेल मैम, जो है कल जो है हमारे जो दिल्ली से जो हमारे उप मुख्यमंत्री है, जो हमारे शिक्षा मंत्री है, देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया जी का, उनको गिरफ्तार किया है निरंकुश थानाशाह सरकार ने अपना ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग करके। उसी के विरोध में समस्त पूरे भारतवर्ष में हर एक राज्य में प्रदेश मुख्यालय जो बीजेपी का है उसका घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के लोग जो है एकजुट हुए हैं। तो अभी फिलहाल आज कहां कहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है? आज जो पूरा अगर हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा का प्रदेश मुख्यालय बीजेपी का जो है यहां पे रोहतक में है। तो अभी हम लोग जो मानसरोवर पार्क में एकत्रित हुए हैं, उसके बाद जो हम प्रदेश कार्यालय जी आरोप जो लगाए गए हैं वो ये लगाए गए हैं कि मनीष सिसोदिया द्वारा ऐसी शराब नीति बनाई गई थी कि सरकार को नहीं बल्कि व्यापारियों को मुनाफा हुआ। आरोप तो संदीप सिंह पे भी लगे हैं, क्या उनको गिरफ्तार किया गया है? आरोप अदानी पे भी लगे हैं, क्या उनको गिरफ्तार किया गया है? आरोप हम पे लगे थे, हमें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों आप मेन बात मैं वही बता रहा हूँ, इन्होंने क्या है विपक्ष को दबाव डालने का काम किया। क्या आपका दिल गवाही नहीं देता कि मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में कितनी अच्छी शिक्षा नीति बनाई है? उस शिक्षा नीति की बदौलत से ही हमारे जो एक गरीब का, किसान का, मजदूर का, कमेरे का बच्चा है जो है जो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पा रहा है, IIT JEE के टेस्ट क्लियर कर पा रहा है, हमारा जो PMT और बाकी जो मेडिकल के टेस्ट क्लियर कर पा रहे हैं, वही बच्चे जो है कभी जो रेहड़ी पे काम करते थे आज वहाँ तक पहुँच पाए हैं। क्या ये शिक्षा क्रांति नहीं है? इसी शिक्षा क्रांति को दबाने का काम किया जा रहा है ताकि इनको पता है रीढ़ की हड्डी हमारी जो है मनीष सिसोदिया जी, उनको अगर तोड़ दिया जाएगा तो आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। आपका ये कहना कि जो उन पर आरोप लगे हैं उनको आप नकार रहे हैं? बिल्कुल निराधार है, ठीक है। अगर प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती और जो सत्य में जाती है हमेशा सच्चाई की जीत होगी। हमें जो है भारत के जो है कानून पर पूरा विश्वास है, हम कानून के समक्ष जाएंगे और जो है बेहद पिछले आप देखेंगे कभी इनके आंकड़े 10,000 करोड़ के बोलते हैं, कभी 800 के बोलते हैं, कभी कितने के बोलते हैं, इनके पास आंकड़े है ही नहीं। ये आज देखने कितना बड़ा प्रदर्शन होगा बीजेपी के, जो घुटने हम लोग जो है नीचे गिराने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी एक एक आदमी जो है 100 लोगों को एक साथ है, मतलब भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद है। हो सकता है कि आप लोग के ऊपर पानी की बौछार है, लाठीचार्ज तक किया जाए, तो क्या आप लोग तैयार है? ओबीएससी बात है। देखिए आपको पता है कि ये काले अंग्रेज लोग हैं, पहले अंग्रेज लोग भी यही करते थे। तो आम आदमी पार्टी के जो है जुनूनी क्रांतिकारी साथी कभी नहीं घबराने वाले और ये जो आपका जो है खून का एक कतरा बहाने के लिए तैयार है। आज आप लोग गिरफ्तारी देने की मंशा से हैं सिर्फ या फिर प्रदर्शन? देखो मंशा हमारी गिरफ्तारी देने की नहीं, मंशा हमारी घिराव करने की है, ठीक है। वो लोग आगे चाहे कुछ भी करे, चाहे हमारे को हमारे हमारी खून की नदियां बहाएं, हम वो खून की नदियां बहाने के लिए भी तैयार। सबसे पहले डिजिटल भूमि देख रहे सभी सब्सक्राइबर को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कंबोज करनाल से अपनी टीम के हाथ पहुंचा हूं। आज आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर आपको सब अभी देख भी रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहां पर पहुंचे हैं। प्रोटेस्ट किया जाएगा हमारे माननीय अनुराग डांडा जी राष्ट्रीय सलाहकार के और हमारे जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा अपने जो सुशील गुप्ता जी हैं उनकी अगुवाई में ये प्रोटेस्ट होगा। और ये प्रोटेस्ट जो है हमारा जो हमारे जो दिल्ली के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी को किस प्रकार से घिनौनी चाले चलकर ये जो बीजेपी सरकार है ये उनको जो जेल में डाल दिया है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़े और आम आदमी पार्टी जो है एक ईमानदार पार्टी है, ये ईमानदार लोगों को आगे जो है बढ़ने का मौका देती है। और ये दूसरी तरफ जो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी है ये क्या करती है, ये अमीर लोगों की पार्टी है, ये पूंजीपति लोगों की पार्टी है, ये सिर्फ पूंजीपतियों के बच्चे ही राजनीति में आगे आते थे। आज तक कोई आपने देखा कि दिल्ली के अंदर किस प्रकार से आम आदमी के बच्चे को भी MLA का जो है ना सीट मिली है, किस प्रकार से पंजाब के अंदर आपने देखा हमारी पंजाब में 92 सीटें आई हैं भगवंत मान जी के नेतृत्व में, वहाँ पर एक आम आदमी के बच्चे को जो है ना एक जो है ना मोबाइल रिपेयर करने वाले ने वहाँ के मुख्यमंत्री जो है ना उसको हरा दिया, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जो उनको हरा दिया। लेकिन ये जो है ना इनको ये पच नहीं रही है, ये चीज़ें ये बीजेपी सरकार को पच नहीं रही है। ये चाहते हैं कि एक इनकी मिली भगत है बीजेपी सरकार की और कांग्रेस सरकार की, चाहते हैं कि एक बार इनका सेटिंग हुई हुई है, एक बार हमारी सरकार आए, एक बार कांग्रेस सरकार आए, एक बार बीजेपी सरकार आए। ये नहीं चाहते कि तीसरा विकल्प जो है वो आम आदमी पार्टी किस प्रकार से यहाँ पर उभरे। अब मैं आपको बताऊँगा मनीष सिसोदिया जी के बारे में कि मनीष सिसोदिया जी के बारे में इन्होंने क्या आरोप लगाया है कि मनीष सिसोदिया जी ने जो है ना मोबाइल बदले हैं। ये तो कोई आरोप नहीं बनता, अगर मोबाइल तो सभी बदलते हैं आज के टाइम में। कोई छोटा मोबाइल है किसी के पास वो बड़ा लेता है, किसी के पास 20,000 का मोबाइल है वो 50,000 का लेता है, देख जो कोई 1,00,000 रुपए का लेता है आज के टाइम में। तो ये तो एक फैशन बन गया है मोबाइल बदलना। लेकिन इस प्रकार से मोबाइल बदलने के नाम पर जो है ना मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल देना, देश के जो हमारे देश के जो शिक्षक हैं, देश के जो हमारे छात्र हैं, उनसे जो है ना एक तरह का जो है ना ये बहुत जो है ना बुरा बर्ताव हो रहा है। आपने देखा पीछे किस प्रकार से हमारे
सिसोदिया जी ने दिल्ली के अंदर जो है ना गरीब बच्चों के लिए जाना शिक्षा के ऊपर क्रांति का काम किया है। वहाँ पर गरीब बच्चे भी जो है ना जो फाइव स्टार होटलों की तरह के जो स्कूल हैं वहाँ बन गए हैं, और गरीब के बच्चे भी जो है ना जो मात्र जो है ना फीस नहीं दे पाते थे प्राइवेट स्कूलों की, आज वहाँ पर जो है ना गरीब के बच्चे भी जो है ना बीटेक एमटेक और जो है ना बड़े बड़े कोर्सेज कर रहे हैं, और वो जो है ना ऊपर जो है ना डॉक्टरी लाइन में भी जा रहे हैं, इंजीनियरिंग लाइन में भी जा रहे हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से जो है ना ये बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि आम आदमी का बेटा आगे बढ़े, आम आदमी का बच्चा आगे बढ़े, तो ये चाहते हैं कि आम आदमी का बच्चा जो है वो दिहाड़ी करे, मजदूरी करे, हमारा दास बन के रहे। ये सिर्फ दास प्रथा को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये हमारे देश के दो जो है ना 50 साल पीछे ले जाकर दास प्रथा जो हमारे राजा महाराजों के टाइम में जो दास प्रथा थी उसका ये अनुयायी हैं। ये नहीं चाहते कि हमारे देश के अंदर जो है ना कोई विकास हो। हमारी आम आदमी पार्टी जो है एक दूसरी क्रांति का नाम है। इस दूसरी क्रांति के अंदर ही जो है ना हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने नौकरी छोड़कर जो है ना ये पार्टी खड़ी की है, अपने खून पसीने से पार्टी खड़ी की है। और ये जो है हम इस पार्टी को जो है ना इस प्रकार से हमारे जो नेता उनको किसी प्रकार से जो है ना तंग नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी बलिदान देना पड़े हमें।